मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पदवृद्धि को लेकर नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन की मांग है कि शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, पदवृद्धि कर 51,000 पद भरे जाएं और पदों का वर्गीकरण न्याय संगत रोस्टर के साथ हो। यूथ यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर एक माह में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान बेरोजगार युवाओं का दर्द उनकी आंखों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर अब युवाओं में गुस्सा फूटने लगा है। आंसुओं के साथ प्रदर्शन कर रही ये युवतियां प्राथमिक शिक्षक में भर्ती की मांग के साथ विसंगतियों पर भी सवाल उठा रही हैं। युवतियां अपने परिवार को छोड़कर रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरों में दिख रहे युवा रोजगार चाहते हैं। युवाओं के चेहरे पर उनकी परेशानी साफ तौर पर झलक रही है। बेरोजगारी के चलते युवक मानसिक परेशानियां भी झेल रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी युवाओं ने 51,000 पद नहीं देने पर बीजेपी को वोट न देने की कसम भी खाई है। बेरोजगार प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 11 वर्षों के बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसमें भी मात्र 18,527 पद भरे जा रहे हैं। आरक्षण के नियमों को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2022 में 51,000 पदों की मांग को लेकर के यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के हमारे साथ है, कुछ लोग मौजूद हैं। जो मैडम, क्या मांग है आपकी? सर, हम लोगों की मांग है कि हमको 51,000 पद दिया जाए और 100% वेटिंग दी जाए। वेटिंग नहीं दी जाए, 100% हमारी भर्ती की जाए। सर, निकाले जाते हैं लेकिन यहाँ सब छुपा दिया जाता है। जो शिवराज सरकार है ये सब छुपा देती है। आप राजस्थान से सीखिए, वहाँ पे 21,000 वैकेंसी दी है। यूपी से सीखिए, 51,000 वैकेंसी दी है। शिवराज मामा ने कुछ नहीं दिया है हमें। आप अभी बात कर रही थी कि जो समान पद हैं वो वितरित नहीं किए गए, उसका क्या? सर देखिए, बैकलॉग के इन लोगों ने बोला था 18,527 पे ये भर्ती करेंगे, लेकिन इन्होंने जो ट्राइबल है उसमें 10,000 वैकेंसी इन्हें एसटी की निकाल दी है। जो वैकेंसी नहीं, बैकलॉग के पद हैं, न्यू फ्रेश पद इन्हें अभी तक नहीं निकाले। इन्हें झूठ बोला है और लोगों को उल्लू बनाया है। मतलब कई लोगों को यह लग रहा है कल उन्हें वैकेंसी फिर से निकाल दी है, मतलब वैकेंसी निकाल दी है। उनको ये लग रहा है कि बच्चा अब थम जाएगा, तो ये नहीं होगा। बच्चा समझ चुका है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है, वो आगे आएगा और आगे आने वाला आंदोलन हमारा बहुत भारी होगा। आपका क्या नाम? लोकेंद्र गुर्जर। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विगत 5 साल से कोई वैकेंसी निकली है या वैकेंसी निकल रही है, तो उनको एक साथ में काउंट करके जो 51,000 शिक्षकों की भर्ती निकली है, जो लोग पहले से एग्जाम दिए हैं उनको क्लियर नहीं कर रहे, उनको इनके साथ मर्ज किया जाए। उनको जो पहले से जो भर्ती हुई है उनको पहले भरा जाए और 100% वेटिंग जो है उसको क्लियर किया जाए। भर्ती निकाली जाती है, उनके पद भरे जा रहे हैं क्या? नहीं भरे जा रहे हैं, सिर्फ भर्ती निकाल कर कहीं कोर्ट में अटका देते हैं, कहीं अटका देते हैं, कहीं एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, बस यही कहानी चल रहा है। हकीकत में भर्ती कहीं नहीं हो रही। क्या मांग है मैम? पदवृद्धि 51,000 शिक्षक पूरी सरकार, सरकार 51,000 के साथ शिक्षक भर्ती पूरी कर। आप बच्चों को छोड़ करके यहाँ आंदोलन में शामिल? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ आंदोलन में शामिल हूँ। 11 साल के बाद शिक्षक भर्ती हो रही है ना, और उसमें भी सरकार ने 18,527 पोस्ट निकाली एसटी, ठीक है, उनके लिए उनको और अधिक पद मिलने चाहिए, पर ओबीसी जनरल वाले कहाँ जाए? वो कहाँ जाए? सरकार क्यों बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को कोई अधिकार ही नहीं है? तो युवाओं में जोश भी है और गुस्सा भी है। सरकार जो पदे निकाल रही, पदों को लेकर जो भर्ती नहीं हो रही उस पर लेकर गुस्सा भी है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मुझे, मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मदीहा है, मदीहा अख्तर। क्या क्या डिमांड है आपकी? सर, वी वांट जस्ट 51,000 पोस्ट, हमें 51,000 पोस्ट चाहिए प्राथमिक शिक्षक में। अगर नहीं मिली तो क्या होगा फिर? सर तो फिर तो सिर्फ कैंपेन ही होना है, आगे शिवराज मामा को वोट नहीं देना है, बस यही है। तो अगर भर्ती नहीं होगी तो शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी को वोट नहीं मिलने की चेतावनी भी दी जा रही है। कुछ लोग और मौजूद हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है 51,000 पद होना चाहिए, अगर 51,000 पद नहीं होते तो मामा नहीं होंगे। वैकेंसी निकाली नहीं जा रही ना, मामा सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार जिस रैली में जाती है उसमें सरकार को सोचना चाहिए यार। 1 लाख भर्ती की घोषणा करती है, मतलब कब से
जब से सरकार बनी जब से बीजेपी की वैकेंसी नहीं आई यहाँ पर, वो तो कांग्रेस ने जीती है उस टाइम पे। प्राथमिक शिक्षक में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक में 11 साल में वृद्धि आती है, जिसमें 18,000 पद दिए जाते हैं। उस 18,000 पद में से 10,000 पद एसटी को दिया जाते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारी मांग है कि वर्ग 3 में 51,000 पदों पर वृद्धि की जाए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये युवा हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं। बहुत डिमांड ये भी है कि लाखों पद खाली है, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती। वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद भी उनको वैकेंसी के साथ पद नहीं दिए जाते, पद में भी दिए जाते तो उसमें समानता करी, जिसकी की मांग लेकर के ये सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। बेरोजगार युवक प्राथमिक शिक्षक पद वृद्धि को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,00,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके लिए उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने मांग की है कि अगर भर्ती में पद नहीं बढ़ाए गए तो आगे वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर युवतियों ने कहा कि अगर भर्ती नहीं हुई तो वे कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले जो आज 51,000 जो पद वृद्धि की मांग को लेकर हम लोग पूरे लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और आज हमारा ज्ञापन देने का है और सरकार को ये चेतावनी है कि आज अगर ये 51,000 पद ये सरकार नहीं करती इसमें पद वृद्धि तो 1 महीने में मध्य प्रदेश का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मामा बेरोजगार होगा, युवा बेरोजगार नहीं होगा इस बार। इसलिए 51,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर करें। 2,50,000 युवा क्वालिफाई हुआ है, 1,25,000 पद खाली वर्ग 3 में शिक्षक में। आज बच्चे अपने परिवार को छोड़कर महिलाएं ये आई हैं, अपना घर परिवार इतनी बुरी स्थिति है कि डाइवोर्स तक की कंडीशन आ गई है। 3 युवा सुसाइड कर चुके हैं और फिर भी सरकार बेवकूफ बना रही है। ये इस तरह के बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, सरकार को काम करना पड़ेगा। आपने बहुत लॉलीपॉप दे दिया लेकिन शिवराज सरकार को जागना पड़ेगा। सीधे 1,00,000 जो ये जो 51,000 पर जल्द से जल्द भरे, आज ज्ञापन दे रहे हैं, सीएम शिवराज को भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी ज्ञापन दे रहे हैं। आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला जो हम पहले ही कह चुके हैं, दिसंबर में 1,00,000। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगार युवा और शिक्षक परेशान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो सीएम राज्य स्कूल बनाने का क्या फायदा, सरकार सिर्फ रोजगार के झूठे वादे करती है। देखिए मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें पदोन्नति दी जाए, उन्हें उनके लिए रिक्त पद किए जाएं, परंतु रिक्त पद होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ना तो उन्हें रोजगार दे रही है और ना उनकी मांगों को सुन रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्होंने मांग की है कि यदि 51,000 पद हमें नहीं दिए गए तो हम इस पर भाजपा को 2023 में हराने का शपथ लेते हैं। तो इस तरीके की शपथ लेते हुए देखते हुए लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो जगह जगह सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्या इनके पास शिक्षक होंगे? यदि शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो सीएम राइस स्कूल का क्या लेना देना। और इसके पहले जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय से जो स्कूल बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार करने की बात तो कभी की नहीं, सीएम राइस स्कूल अलग से खोल रहे हैं और शिक्षकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं, कैसा सिस्टम बनाकर रखा है? और बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में परेशान है। 15 महीनों की जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपए का स्टाइफंड स्टार्ट किया था, परंतु इन्होंने स्टाइफंड तक नहीं दिया है। आज बेरोजगार परेशान है। मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग जो है लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है 2023 में जब इनको सरकार से बेदखल करेंगे जब इनको समझ आएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।